दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ जॉइंट प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी को घेरा। वहीं जब राज्यसभा सांसद और आप नेता स्वाति मालीवाल को लेकर उनसे सवाल किया गया तो वे पीछे हट गए। देखिए प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ हुआ। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपके और जी आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक? अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी आज आपके साथ में हैं, आज आपके साथ में भी आए हैं। भाजपा ही किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपा ही किसी के सगे नहीं है और भाजपा ही झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। हाँ मैं बोल रहा हूँ एक सेकंड बोल रहा हूँ। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की, मां की उम्र की महिलाओं के साथ, प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, इसी को वोट देना, ये भारत का भविष्य है प्रज्वल रवन्ना, उसको भगा दिया जाता है बीजेपी के द्वारा। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, रात में उनके समर्थन में गई थी, पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यही उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपसे आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इसको, इस पर राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। वही अब इस मामले को लेकर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिन्होंने केजरीवाल के चरित्र पर भी सवाल उठाया है। हम देखते हैं कि जब एक कॉस्मेटिक बयान भी संजय सिंह ने पहले दिया था 30-32 घंटे के बाद, जिस व्यक्ति को इन्होंने आरोपी बताया था विभव कुमार, उसको संरक्षण देने का काम किया जाता है। और अभी 72 घंटों से आमुमन जो मुखर होकर बोलती है महिला विषयों पर स्वाति मालीवाल, वो पूर्ण तरीके से चुप है। कल संजय सिंह उनके घर पर दबाव डालने भी गए थे, उनके निकट के लोग, नवीन जयहिंद हो, नितिन त्यागी हो, वो बता रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। नितिन त्यागी को तो पार्टी से एक प्रकार से बाहर कर दिया गया है और विभव कुमार को संरक्षण मिल रहा है कि वो मुख्यमंत्री के साथ घूमते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनको डिस्टेंस किया है, FIR उनके ऊपर करना तो दूर की बात है। इसका मतलब साफ है कि जो हमला, जो हिंसा स्वाति मालीवाल के साथ हुई, जैसे PCR कॉल में दर्ज है, वो विभव कुमार ने नहीं, वो केजरीवाल ने करवाई। और इसीलिए अब केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, इधर उधर की बातें करना छोड़िए। और देश की महिलाएं जानना चाहती है कि यदि एक मुख्यमंत्री के घर पे एक राज्यसभा महिला सांसद सुरक्षित नहीं, तो किसी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नेता के साथ कोई महिला सुरक्षित रह सकती है? और इनका तो लंबा और पुराना इतिहास, हाथापाई, हिंसा करा है, इन्होंने तो अपनी पत्नियों को भी कैसे पीटा है, ऐसे कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी को न केवल इस्तीफा देना चाहिए, पर यह बताना चाहिए कि विभव कुमार को जो बचा रहे हैं, यही आपके महिला सशक्तिकरण का मॉडल है? और इंडी अलायंस के जो सारे नेता हैं, जो महिलाओं के विषयों पर अक्सर बोलते हैं,
प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया जी, वो आज चुप क्यों हैं, इस पर भी बोलना चाहिए। डाइवर्ट करने से कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को बचा नहीं रहे हैं, क्योंकि ये हमला विभव ने नहीं, केजरीवाल ने करवाया। आम आदमी पार्टी का चरित्र झूठ, धोखा और मक्कारी है। चार दिन पहले मुख्यमंत्री आवास के घर स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना घटी, उनके साथ अभद्रता की गई। खुद उनके सांसद संजय सिंह ने कैमरे के सामने आकर कहा कि हाँ, दुर्घटना हुई है और अरविंद केजरीवाल के पीए विभव ने उनके साथ अभद्रता की है। अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लिया, कड़ी कार्रवाई करेंगे, और अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई कर दी। कल रात को लखनऊ एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और विभव तीनों एक साथ देखे गए। लखनऊ के एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल ने ये कार्रवाई की। सिर्फ धोखा देना, महिलाओं के सम्मान की झूठी बात करना, महिलाओं के अधिकारों के साथ धोखा करना, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। ये दिखाता है कि किस तरह से महिलाओं के अत्याचार के साथ अरविंद केजरीवाल खुद खड़े होते हैं। वह अत्याचारी जिस पे आरोप लगा है कि उसने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है, उसे साथ लेके घूम रहे हैं। ये है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा, जो महिला विरोधी है और जो महिलाओं का सम्मान नहीं, महिलाओं का अपमान करता है।